ओ कारी जी का बच्चा सलाम का जवाब दे रहा है, कोई दुआ पढ़ रहा है। बड़े के इस्लाम में सलाम का जवाब देने का यही तरीका है। अच्छा भाई, तो आपने तभी मसला ठोक ले। बड़े भैया क्या नाम है आपका? बेटा मेरा नाम है झड़वर, वैसे कहें वो सूरजमल। बड़े भैया कहाँ से आए और कैसे आना हुआ? बेटा मैं गांव का पल्ला ओढ़ के आए हुए इन बाड़ा करने लेके, इन्हें पढ़ाना लिखाना की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने अपना मोहल्ला में त्यार मकतब की बहुत तारीफ सुनी है कि यह मकतब में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। हाँ बड़े भैया जरूर सुनी होगी, हमारे मकतब में तालीम व तरबियत का बहुत अच्छा नज़्म है। तो बेटा मेरी मुलाकात अपने उस्ताद से करवा, मैं भी तो देखूं कि हमारे मकतब में कैसी पढ़ाई हो रही है। बड़े भैया इस वक्त हमारे उस्ताद जलसे के कामों में बेहद मसरूफ है, उनको इतनी फुर्सत नहीं। मैं आपको चंद बच्चों का सबक सुना देता हूँ जिससे आपको यहाँ की तालीम और तरबियत का अंदाजा हो जाएगा। बात सुनवा दे बेटा, मैं यही मान्यता हूँ इबादत करने लेके। रुकइए कुरान की किसी दूर को तिलावत करो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. سنة حديث سناو. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث نمبر 8. إنما الأعمال بالنيات. ترجمة تمام كما بدأ مدارية دوبر موقوفة كتاب بخاري الشريف. حديث نمبر 2. الإسلام يعل ولا عيولا. ترجمة إسلام نشان والي رينا هنا كمعلومون كتاب دار قطني. سألوا ما دعا سناو. بسم الله الرحمن الرحيم. جب اچھا کام شروع کرے تو یہ دعا پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب کھانا شروع کرے تو یہ دعا پڑھے بسم اللہ والا برکت اللہ. شروع میں اگر اس دعا کو پڑھنا بھول جائے تو یاد آنے پر یہ کرے بسم اللہ اولا و آخرا. کھانے کے درمیان پڑھے اللہ बाद में नमाज के अंदर कितने फर्ज हैं? छह अंदर के ये अवल तक भी तेरी ना दूसरा कायम तीसरी की रात चौथा रुकू पांचवा दोनों साजिदा छठा आखिर कायदा पढ़ने बड़ा भाईगा जन्म पढ़ते ताएगा पांचवे दिन जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, इनने छोटा छोटा बाड़ा करने सारी कुरान को तर्जमा रखा हुआ, इनने देखो मेरे सिर वाले। बड़े भैया नरमी से काम ले। वाह बेटा, मैं इनने कितनी भी नरमाइश दे दी, इनने तो मैं मोटो दुखी कर रहा हूँ। जैसे मैंने चार मकतब की तारीफ सुनी ऐसी ही निकली, अब तो वो इनको दाखिला ही नहीं करवाना। बड़े भैया ये बात दाखिला का नहीं है। कदूंगा तुम्हारा दाखिला ईद के बाद, इनने तो मैं उन्हें पेमेंट भारी कर रखी है। बड़े भैया वो कैसे? देख दे रही कल, देख कल सोया लगता कुर्ता की जेब लाया पजामा फाट लाया जैतूनी का तुम डांग तोड़ आया दादा हंडल की छिलक चटका दी इकला की बकरी टांग तोड़ दी मेरे चश्मा तोड़ दिया। बड़े भैया जब आप इतने परेशान है तो इनका दाखिला करा देते हैं, मगर फीस लगेगी। कितनी? 300 रुपये दाखिला, 200 रुपये महीना। बात जहाँ भी ओझ ना भरे तन भुतेरी भेरी सरकार भुतेर लूट खारा कम दुनिया आज कहार ओझ ना भरे। बड़े भैया आपने स्कूल में तो नौजवान दे दिए, मस्जिद में 300 के लिए बात बना रहे हैं। बेटे देख स्कूल में तो ESP DSP फौजी कलेक्टर बने मैजिस्ट्रेट मुल्लक मल्ला ही रहे।
बड़े मियां कुरान हदीस की तौहीन कर रहे हैं। बबे तो कल के गिले 3 से 3 से 36 के साथ से दमो और रही 3 महीना 20 दो से लेकर 2.5 से दमो मेरे जवाब पर जान चाहिए। ठीक है बड़े मियां। ये बाबा सुन ले रोने विचार बाबा पर दाव न करवा दियो। अगर तुम दूर दिन टाइम पहुंच इस पड़न रहे सुने तो इतना बुरा मारो कि छुड़ा न मिले। और सुन ले मुल्ला रे दुनिया पे हड्डी मेरी मांस मेरो हड्डी मेरी मांस तेरो मैं कह रहा हूं हड्डी तेरी मांस भी तेरो अगर मर जाए तो मर जाते रहो। ठीक है बड़े भैया।